हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने बात की थी यहाँ पे कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से सेल इंजरी को कॉज मतलब सेल इंजरी किस तरह से हो सकती है। तो उसमें हमने उसके टोटल 8 कॉजेज पढ़े थे। आपको याद होगा हाइपोक्सिया की बात की थी हमने, फिजिकल एजेंट्स कुछ थे, कुछ केमिकल एजेंट्स थे। उसके बाद हमने जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की बात की थी। उसके अलावा हमने देखा था इडियोपैथिक कोज भी हो सकता है, जेनेटिक के अलावा इम्यूनोलॉजिक कोजेज भी हो सकते हैं। तो वो सब हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कोजेज ऑफ द सेल इंजरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जो कोजेज थे सेल इंजरी के, वो ऐसा क्या करवाते हैं कि सेल इंजरी हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द सेल इंजरी की। और मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में सबसे पहला मैकेनिज्म हमारे पास आता है डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो सबसे पहला जो चीज़, जो ये इटियोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं सेल इंजरी के, जो सेल इंजरी करवाते हैं, वो मेनली क्या करवाते हैं, नंबर वन चीज़ वो क्या कराते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन को कम करवाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि हाइपोक्सिया एटीपी की प्रोडक्शन को कम करवा रहा था। अब ये एटीपी प्रोडक्शन तो कम हो गया, अब ये एटीपी कम होने की वजह से ऐसा होता क्या है कि जो सेल इंजरी कोज होती है, तो एटीपी प्रोडक्शन की कमी के कारण ऐसा क्या हुआ कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, कोई भी इंजरी की बात कर रहा हूँ मैं मतलब नॉर्मल इंजरी की बात कर रहा हूँ मैं, ना तो रिवर्सिबल बोल रहा हूँ ना मैं इरिवर्सिबल बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एटीपी की कमी के कारण सेल इंजरी कैसे हुई। तो एटीपी ऐसा क्या करवाता है कि सेल इंजरी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसेस विद इन द सेल। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा कि एटीपी हमें जितने भी प्रोसेसेस किसी भी सेल में हो रहे होते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, वो एटीपी प्रोवाइड करता है। और एटीपी बनता कहाँ पे है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह से, ठीक है। तो एटीपी प्रोडक्शन हो रही है जिसके कारण हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं सेल के अंदर। तो एनर्जी प्रोडक्शन का हाउस किसे मानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को तो मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एटीपी की कमी हुई कैसे। तो इंजरी लाइक हाइपोक्सिया, तो एटीपी की कमी कौन कौन करवा सकते हैं, जैसे हाइपोक्सिया हो गया, केमिकल्स हो गए, जैसे साइनाइड हो गया। केमिकल्स में क्या एग्जांपल है यहाँ पे, साइनाइड। तो हाइपोक्सिया हो गया, केमिकल्स में साइनाइड हो गया, इन सब रीजन के कारण क्या होता है, हमारा एटीपी प्रोडक्शन की हो जाती है कमी। तो एटीपी प्रोडक्शन की कमी कौन करवा रहा है, हाइपोक्सिया, कुछ केमिकल्स, जिसके कारण एटीपी जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। अब एटीपी प्रोडक्शन की कमी के कारण क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, तो अब आते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे एटीपी की कमी के कारण, ऐसा क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में जिसके कारण सेल डेथ या फिर मतलब सेल इंजरी हो सकती है। तो नंबर वन क्या है कि वो फेलियर करवा देते हैं सेल मेम्ब्रेन सोडियम पंप का। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो पंप था, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब वो काम ही नहीं करेगा, अब वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी बात अब अभी हम करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इफेक्ट्स क्या क्या है। सेकेंड इफेक्ट है इंक्रीज्ड अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, अनएरोबिक जो ग्लाइकोलिसिस है वो बढ़ जाएगी। नंबर थ्री, फेलियर ऑफ द कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप भी अब काम नहीं करेगा। नंबर फोर, फेलियर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम्स। तो हमारे पास टोटल 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। नंबर वन क्या है हमारे पास, नंबर वन है हमारे पास फेलियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सोडियम पंप। नंबर टू, इंक्रीज्ड एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। नंबर थ्री, फेलियर ऑफ द कैल्शियम पंप। एंड नंबर फोर, फेलियर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम्स। अब ये चारों चीज़ें जो हुई हैं एटीपी की कमी के कारण, ये आगे जाके क्या करवाने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि ये सब क्या करवाने वाले हैं, एक सेकेंड। तो इस फ्लो चार्ट में आप सब देखोगे कि ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में क्या हुई, इस्कीमिया हुई। ब्लड वेसल में हुआ इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होगी, एक तरह से हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाएगी इस्कीमिया के कारण। तो इस्कीमिया होने के कारण जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस्कीमिया क्या कराएगा, इस्कीमिया करवाएगा हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होगा, डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थी वो हो जाएगी कम। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती थी, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कारण बनता था एटीपी, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर कम हो जाएगी तो जो हमारा एटीपी था उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो एटीपी प्रोडक्शन के कारण हमने अभी क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें होगी, सोडियम जो पंप था वो कम हो जाएगा, उसका काम करना कम हो जाएगा।
अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी हमने देख लिया। उसके अलावा राइबोसोम्स जो थे वो डिटैच करने लग जाएंगे, राइबोसोम्स जो थे वो डिटैच करने लग जाएंगे, राइबोसोम्स हटने लग जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो है ये राइबोसोम्स डिटैच कर जाएंगे। अभी राइबोसोम्स अगर डिटैच कर गए तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस की कमी हो जाएगी बॉडी में, प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन बनवाते हैं। अगर राइबोसोम्स डिटैच करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की कमी हो जाएगी। तो नंबर वन पॉइंट क्या हो गया, सॉरी नंबर फोर्थ पॉइंट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वो क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस की कमी, ठीक है, तो एक पॉइंट कवर हो गया। अब हम चलते हैं सोडियम पंप वाले पॉइंट पे। सोडियम पंप अगर काम करना कम कर देगा तो सोडियम पंप क्या करता था, सोडियम को भेजता था बाहर, जो सोडियम पंप था वो सोडियम को सेल से बाहर भेजता था और पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आता था। तो वो सोडियम को बाहर भेजता था और पोटेशियम को अंदर लेके आता था। अब अगर ये पंप काम ही नहीं करेगा, मान लो अब अगर ये पंप हो गया काम, मतलब काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम वाटर एंड सोडियम, सोडियम अंदर आएगा सेल के जिसके कारण वाटर का भी इन्फ्लक्स होगा और कैल्शियम जाएगा सेल से बाहर, ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा सॉरी कैल्शियम सेल से बाहर नहीं आएगा, कैल्शियम और सोडियम सेल के अंदर जाएंगे और पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा। तो इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम वाटर एंड सोडियम एंड इंक्रीज्ड ईफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम तो बाहर चला जाएगा और सोडियम और वाटर अंदर आ जाएंगे। अब सोडियम और वाटर अंदर आ रहे हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, पूरा सेल भी स्वेलअप करेगा क्योंकि वाटर अंदर आ रहा है, पानी अंदर आएगा अगर सेल के, तो उस कंडीशन में सेलुलर स्वेलिंग भी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग भी होगी, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोविलाय के अंदर ब्लेब्स जो थे, सॉरी माइक्रोविलाय का हो जाएगा लॉस, जो माइक्रोविलाय थे सेल के अंदर वो भी लॉस्ट हो जाएंगे और नंबर फोर ब्लेब फॉर्मेशन होगी। ये हमारा सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो यही सेल है हमारा, ये देखो सेल की मेम्ब्रेन है, बीच बीच में ये ऐसे उठा हुआ है, तो सेल के अंदर एक तरह से फुंसियाँ बन रखी हैं, ये क्या है, ये ब्लेब्स हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लेब फॉर्मेशन। तो इस तरह से सेलुलर ब्लेब्स बनेंगे, ये क्या है, ये है हमारे पास ब्लेब्स, ये देखो ये वाला ब्लेब है। तो एक तरह से ब्लेब फॉर्मेशन हो जाएगी, माइक्रोविलाय का लॉस हो जाएगा, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेलअप कर जाएगा। तो ये चारों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी सोडियम पंप के ख़राब होने के कारण, और सोडियम पंप ख़राब हुआ किसके कारण, एटीपी की कमी के कारण। तो हमारे पास एक पॉइंट तो हो गया, ये नंबर वन पॉइंट हमारे पास क्या था, सोडियम पंप वाला था। अब नंबर टू पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो क्या बोल रहा था कि अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी। अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगी मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है ग्लाइकोलिसिस में, और अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ती है तो ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन तो हो जाता है कम और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है ज़्यादा। तो अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस से लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड अगर बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम, एसिडिक पीएच हो जाएगा, और पीएच कम होने के कारण क्या हो जाएगा, क्लंपिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जो हमारा न्यूक्लियस था उसके अंदर जो क्रोमेटिन था वो हो जाएगा क्लंपिंग, मतलब जो क्रोमेटिन है न्यूक्लियस के अंदर उसकी क्लंपिंग हो जाएगी, तो क्लंपिंग ऑफ क्रोमेटिन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सेकेंड पॉइंट। तो नंबर वन पॉइंट क्या था, सोडियम पंप काम नहीं करेगा, नंबर टू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, और एक हमारे पास था कि डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स हो जाएगा। उसके अलावा एक था कि जो कैल्शियम पंप था वो भी काम नहीं करेगा, जिसकी हमने बात यहाँ पे कर ली कि कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा तो कैल्शियम अंदर आएगा। कैल्शियम पंप क्या कर रहा था, कैल्शियम को सेल से बाहर फेंक रहा था, अब वो भी काम नहीं करेगा तो कैल्शियम भी सेल के अंदर बढ़ेगा। सोडियम पंप काम नहीं करेगा तो सोडियम भी बढ़ेगा, सोडियम के साथ साथ पानी भी सेल के अंदर आएगा, और उसके अलावा पोटेशियम सेल के बाहर चला जाएगा, और क्योंकि सोडियम वाटर ये सब अंदर आ रहे हैं तो स्वेलिंग होगी सेल की भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी, माइक्रोविलाय का लॉस हो जाएगा क्योंकि सेल फूल रहा है पूरी तरह से, और सेल के अंदर ब्लेब फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, इस तरह से ये ब्लेब्स फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में पीएच कम हो रहा था, पीएच कम होने के कारण क्या हो जाएगा, क्लंपिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो इसमें हमने बात की अलग अलग चीज़ें जो हो रही हैं सेल के अंदर उसकी, तो ये हमने बात की एटीपी प्रोडक्शन की कमी के कारण। तो एटीपी प्रोडक्शन की कमी के कारण हमने यहाँ पे क्या देखा था, नंबर वन पॉइंट क्या था, नंबर वन क्या था, फेलियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सोडियम पंप, नंबर टू क्या था, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी, फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप, एंड नंबर फोर क्या था, फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम्स। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के कारण हमारे सेल में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक पॉइंट कवर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, और सेकंड पॉइंट हमारा है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो दूसरी चीज़ जो
हो रही है सेल इंजरी के अंदर वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो जो सेल इंजरी हुई, नंबर वन पॉइंट तो हमने पढ़ा कि एटीपी की कमी के कारण क्या कैसे कैसे सेल इंजरी हो सकती है। नंबर टू पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने के कारण सेल इंजरी कैसे हो सकती है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज किसने कराया वो हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो हमने 8 कॉजेज पढ़े थे वही सब मिलकर आए माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कराते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने के कारण होती है सेल इंजरी, जो कैसे होती है उसकी बात अभी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सेंसिटिव टू ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इंजीरियस स्टिमुलाई। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ही सेंसिटिव सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। कोई भी इंजीरियस स्टिमुलाई जो है माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर सकता है, जैसे हाइपोक्सिया, टॉक्सिन्स हो गए, हाइपोक्सिया हो गया, ये सब जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो गया तो उसके कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, तो उसमें नंबर वन हमारे पास आता है डिप्लीशन ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने अभी अभी तो बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही थी, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी जिसके कारण क्या हो जाएगा, एटीपी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एरो उल्टा बनाना था। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कारण डिप्लीशन ऑफ एटीपी हो जाएगा, एटीपी की कमी हो जाएगी। और एटीपी की कमी के कारण क्या क्या चार चीज़ें हुई थी उनकी बात अभी हमने कर ली। नंबर वन क्या किया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो नंबर वन क्या किया था हमने कि सोडियम पंप काम नहीं करेगा। नंबर टू हमने बात की थी कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा। नंबर थ्री हमने बात की थी अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी। और नंबर फोर हमने बात की थी कि प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चार चीज़ें हुई थी डिप्लीशन ऑफ एटीपी के कारण। तो ये पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने के कारण जो है फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, जिन्हें हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो वो क्या करवाएंगे वो हम बात करेंगे इसी वीडियो में लास्ट पॉइंट के अंदर। तो अभी याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन जाती है। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर। अब ये क्या चीज़ है इसकी भी बात अभी करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर। एंड नंबर फोर है लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स इनटू द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है जिनकी लीकेज जो है वो सेल डेथ करवा सकती है। तो लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स इनटू द साइटोप्लाज्म, ये चार चीज़ें हो सकती हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने के कारण। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ इंजूरियस स्टिमुलाई के कारण, जिसके कारण हमारे पास चार चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन डिप्लीशन ऑफ एटीपी, नंबर टू फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, नंबर थ्री फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर, एंड नंबर फोर इज लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये सब क्या करवा रहे हैं उनकी हम बात करते हैं अभी इस फ्लो चार्ट के थ्रू। तो इस वाले फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टॉक्सिन्स एंड रेडिएशन। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है टॉक्सिन्स, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, टॉक्सिन्स, और दूसरा है यहाँ पे रेडिएशन। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए या फिर प्रोटीन का डैमेज, ठीक है। तो ये चार चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मतलब सॉरी ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, टॉक्सिन्स या रेडिएशन। अब टॉक्सिन्स या रेडिएशन क्या कराएंगे, ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कॉज करेंगे या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इधर ढंग से ये चीज़, तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करवाएंगे टॉक्सिन से रेडिएशन। अभी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कारण एटीपी की जनरेशन हो जाएगी कम और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो नंबर वन पॉइंट क्या था, एटीपी प्रोडक्शन कम हो रही है। नंबर टू पॉइंट क्या था, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है। अभी दोनों चीज़ें मिलकर क्या कराएंगी, मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मेलिटीज कॉज करेंगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस। तो ये जो दो पॉइंट थे, फर्स्ट टू पॉइंट्स, एटीपी जनरेशन कम होना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का बढ़ना, ये क्या करा देता है अल्टीमेटली, नेक्रोसिस। और जो दूसरा जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट थे उनकी हम बात करते हैं, उसमें क्या आता है कि जो डीएनए और प्रोटीन का अगर डैमेज होता है, मतलब जो जेनेटिक कॉजेज हमने पढ़े थे सेल इंजरी के, उसके कारण क्या हो जाता है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हो जाते हैं कम। तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स मतलब जो एपोप्टोसिस करवाएंगे, और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं। अगर प्रो एपोप्टोटिक बढ़ेंगे मतलब एपोप्टोसिस कराने वाले बढ़ जाएंगे और एपोप्टोसिस रोकने वाले कम हो जाएंगे, जिसके कारण एपोप्टोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कैसे होगा,
उसमें हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का लीकेज हो जाना, ये हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था। और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स लीक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि एक जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर है वो काम करना, वो मतलब वो काम नहीं करेगा ढंग से, जिसके कारण उस पोर के थ्रू ये प्रोटीन्स जो हैं ये बाहर आ जाएंगे। देखो इस तरह से ये प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे। कौन से प्रोटीन्स बाहर आएंगे, क्योंकि प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की प्रोडक्शन बढ़ रही थी तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का यहाँ पे लीकेज होगा, मेनली साइटोक्रोम सी, बाद में बात करेंगे एपोप्टोसिस में, जिसके कारण क्या हो जाएगी एपोप्टोसिस। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के कारण नेक्रोसिस भी हो सकती है और उसके कारण एपोप्टोसिस भी हो सकती है। तो ये हमने कवर कर लिया हमारा सेकंड पॉइंट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, जिसमें मैंने बात की कि फर्स्ट जो दो पॉइंट हैं ये क्या कराएंगे नेक्रोसिस कराएंगे, और जो थर्ड फोर्थ पॉइंट है इनके कारण हो सकता है एपोप्टोसिस। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट हमारे पास है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इन्फ्लक्स एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस। कैल्शियम होमियोस्टेसिस का लॉस होना मतलब कैल्शियम का जो बैलेंस बन रहा था बॉडी में वो लॉस हो जाएगा और कैल्शियम सेल के अंदर बढ़ जाएगा। इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था, याद हो आपको, एटीपी प्रोडक्शन की कमी के कारण भी कैल्शियम का जो है इन्फ्लक्स हो रहा था। तो ये इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम क्या करवाएगा उसकी बात करेंगे इस वाले पोर्शन में। तो नॉर्मली जो साइटोसोलिक कैल्शियम होता है, जो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो लो होता है, और मोस्टली जो प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रेजेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा कैल्शियम है वो हमारे लो होता है इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसमें बहुत कम होता है कैल्शियम, बाहर ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है। और अगर होता भी है, जो थोड़ा बहुत भी प्रेजेंट है, लो भी है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है, इसके बाहर नहीं होता। अब जो इस्कीमिया है, मान लो जो इस्कीमिया और कुछ सर्टेन टॉक्सिन्स, इस्कीमिया हमने पढ़ा था हाइपोक्सिया कॉज कराएगी, और कुछ सर्टेन टॉक्सिन्स हैं, ये क्या करा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं साइटोसोलिक कैल्शियम को, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का जो अमाउंट है उसको बढ़ा देंगे। अब साइटोसोल में अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो मेनली कहाँ से आएगा, इनिशियली तो वो कहाँ से आता है, इंट्रासेलुलर स्टोर से आता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम था पहले तो वो बाहर आता है, ठीक है, इनिशियली। और लेटर कहाँ से आता है, बाद में वो आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है हमारा, तो और इसके अंदर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो पहले तो जो कैल्शियम आ रहा है ना वो इन्हीं के थ्रू कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, और लेटर स्टेजेस में कैल्शियम आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस तरह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साइटोसोल के अंदर। और अब ये कैल्शियम जो बढ़ गया ये क्या करवाएगा उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, ठीक है, मतलब जो सेल के बाहर कैल्शियम है वो क्या होगा, इंजूरियस एजेंट के कारण वो अंदर आ जाएगा। मतलब जो कैल्शियम था एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कैल्शियम था वो इंजूरियस एजेंट के कारण वो कैल्शियम सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये सेल है, ये पूरा हमारा ये इस तरह से ये हमारा पूरा सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर कैल्शियम आ रहा है, अभी कैल्शियम सेल के अंदर आ गया, ठीक है, और सेल के अंदर कैल्शियम और कहाँ से आ रहा था, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टोर थे अंदर सेल के अंदर, जो कैल्शियम स्टोर था वो भी बाहर निकल रहा है, जिसके कारण साइटोसोल के अंदर अल्टीमेटली कैल्शियम बढ़ गया। अब जो कैल्शियम साइटोसोल में बढ़ा वो क्या करवाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, वो सेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे सेल के अंदर जिनको वो एक्टिवेट करा देता है, और उसके अलावा वो माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन भी बढ़ा देता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन को बढ़ा देगा और सेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट कराएगा। अब कौन कौन से सेलुलर एंजाइम एक्टिवेट होंगे, वो है हमारे पास फॉस्फोलाइपेज, नंबर टू है हमारे पास प्रोटीएज, नंबर थ्री है हमारे पास एंडोन्यूक्लिएज एंड नंबर फोर है हमारे पास एटीपेज। तो टोटल चार ये हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जिसको कैल्शियम एक्टिवेट कराता है, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लिएज एंड एटीपेज। तो आपको याद रखने हैं चारों के चारों, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज,
छोड़ो इसको, फोस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लिएज एंड एटीपेज, ये चार एंजाइम होते हैं जिसको जो है इंक्रीज्ड साइटोसोलिक कैल्शियम एक्टिवेट करवा देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं फोस्फोलाइपेज क्या कराएगा। फोस्फोलाइपेज के कारण फोस्फोलिपिड्स टूटेंगे, ठीक है, तो फोस्फोलिपिड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रोटीएज के कारण क्या होगा, हमारी मेम्ब्रेन जो है और जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स को डैमेज करेगा, प्रोटीएज नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटीन को तोड़ेगा। एंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज वर्ड आ रहा है तो न्यूक्लियस को तोड़ेगा, एज वर्ड आ रहा है मतलब उसको तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ रहा है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ रहा है, एंडोन्यूक्लिएज न्यूक्लियर डैमेज कोज करेगा, और एटीपेज क्या करेगा, एटीपी को कम करेगा। तो एटीपेज के कारण एटीपी कम हो जाएगा, और जो फोस्फोलिपिड्स और जो प्रोटीएज थे उसके कारण मेम्ब्रेन में डैमेज होगा, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से और प्रोटीन से। मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड से और प्रोटीन से, तो लिपिड भी डैमेज हो रहा है यहाँ पे, प्रोटीन भी डैमेज हो रहा है, तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। न्यूक्लियर डैमेज के कारण न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है एंडोन्यूक्लियस के कारण, और एटीपेज के कारण हो रहा है एटीपी की कमी, और जो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी जो बढ़ रही थी उसके कारण भी हमारे पास एटीपी की कमी हो जाएगी। तो ये है हमारे पास कैल्शियम के बढ़ने से क्या हो रहा है, उसकी हमने बात की यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। ऐसे फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीजन से डिराइव हों उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एग्जाम्पल H2O2, एग्जाम्पल सुपर ऑक्साइड एनायन, एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल आयन्स OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन्स। तो ये हैं हमारे पास ऐसे फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीजन डिराइव्ड हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स ऐसा क्या करते हैं, तो पहले तो कुछ मैंने नॉर्मल से पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल, सबसे पहला पॉइंट है अनस्टेबल केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, विद अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट। ये हम सबको पता है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, इनके पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पेयर में नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट के अंदर। सेकेंड पॉइंट, नॉर्मली फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे सेल में प्रोड्यूस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जो नॉर्मली फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेल में वो अनस्टेबल होते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं खुद से ही, ठीक है। और जब ये फ्री रेडिकल किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उन मॉलिक्यूल्स को फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब फ्री रेडिकल जिसके साथ भी भिड़ेगा उसको उसी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, जैसे बुरी संगत के साथ जो भी जाएगा वो बुरी, मतलब वो बुरा ही बन जाएगा, वही वाली बात है यहाँ पे। फ्री रेडिकल जिस भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, इसे हम बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस। अब अगर फ्री रेडिकल की एक्सेस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल हो जाए, वो किस वजह से हो सकती है एक्सेस, या तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से या फिर डिग्रेडेशन कम हो रही होने की वजह से। मैंने बोला था फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रैपिडली, लेकिन अगर फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर उसको डिस्ट्रॉय होना कम हो जाए तो उस कंडीशन में फ्री रेडिकल्स की एक्सेस हो जाएगी, और फ्री रेडिकल की एक्सेस के कारण क्या क्या पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे वो हमें हमारे पास मेनली तीन। नंबर वन, लिपिड परऑक्सीडेशन इन द मेम्ब्रेन्स, जो हमारी मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। नंबर टू, क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसके कारण एंजाइम एक्टिविटी डैमेज हो जाएगी और एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होगी, जिसके कारण क्या होगा, मिस फोल्डेड प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे, मिस फोल्डेड प्रोटीन्स। तो फ्री रेडिकल्स ये भी करवा सकते हैं। एंड नंबर थ्री, डैमेज टू द डीएनए, डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये तीन पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं फ्री रेडिकल्स के हमारी बॉडी पे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा फ्री रेडिकल्स की, बस आपको जो जो मेन मेन है वही बता रहा हूँ। उसके अलावा फ्री रेडिकल नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब फ्री रेडिकल के कारण नेक्रोसिस भी हो सकती है और एपोप्टोसिस भी हो सकती है। अब इस वीडियो के लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। सेल इंजरी दो तरह की हो सकती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कब होगी, जब माइल्ड ट्रांजिएंट इंजरी है, मतलब हल्की इंजरी है थोड़े समय के लिए है, और अगर सीवियर प्रोग्रेसिव इंजरी अगर होती है तो उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल इंजरी। तो दो तरह की इंजरी होती हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में। रिवर्सिबल इंजरी नॉर्मल में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अगर इरिवर्सिबल इंजरी हो गई तो वो सेल कभी भी नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये हमने बात कर ली इस वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्रोसिस की, नेक्रोसिस से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।